Hello friends, good evening, welcome back to my YouTube channel online Dubai classes. जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पर डे एक ना एक वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा. कल मैंने आपको मैकेनिक्स का और एक आरसीसी का वीडियो अपलोड किया था. आज भी मैं आरसीसी का और मैकेनिक्स का एक एक वीडियो अपलोड करूँगा. कल मैंने आपको बताया था कि आरसीसी के जो क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. आने वाले जो एग्जाम्स है, यूपी ट्रिपल एससी का है, एसएससी का आने वाले एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे. इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट. आज के भी जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें पता होगा कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, और जिन्होंने नहीं दिया है तो उन्हें बता दूँ कि ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं. तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, आपको मटेरियल यदि अच्छा लग रहा है तो आप कृपया कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन करिए, ताकि मैं आपको सबसे पहले वीडियो तक पहुंचा सकूं. नाउ लेट मी स्टार्ट टुडे क्लास. तो कल मैंने आपको बताया था कि आरसीसी क्या होता है. आरसीसी में बताया था कि जब मैं पीसीसी में रैंक पोस्टमेंट डाल देता हूँ तो वो आपकी आरसीसी कहलाने लगती है. अब जो रैंक पोस्टमेंट होता है वो कितने तरीके का होता है, अर्थात जो हम छड़ डालते हैं, जो बार डालते हैं, वो बार कितने प्रकार की होती है. तो आपको बता दूं कि जो बार होती है आपकी, यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, तो आपको बता दूं कितने प्रकार की होती है. तीन टाइप की होती है. एक आपका होता है माइल्ड स्टील, दूसरा होता है आपका मीडियम टेंसाइल स्टील, और तीसरा आपका होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील. इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं HYSS, अर्थात मीन्स इसका क्या हुआ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील. आगे बढ़ते हैं. जो आपका माइल्ड स्टील होता है वो आपका Fe250 होता है. यदि क्वेश्चन आपका पेपर में आता है क्या, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो माइल्ड स्टील के लिए किस ग्रेड की स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो माइल्ड स्टील के लिए Fe कौन सा चलता है, 250 चलता है. आप देखें जरा Fe250. अब आप देख रहे होंगे Fe250 दोनों जगह कैसे हो सकते हैं, तो वो उनकी यूज के आधार पर है. किसके आधार पर है, यूज के आधार पर, और उनके IS कोड के अनुसार पर. IS कोड क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड होता है, या आपका भारतीय मानक होता है. तो उनके आधार पर है. जो आपका पहला Fe250 है वो आपका कोल्ड वर्क के लिए है, और जो आपका Fe250 है वो हॉट वर्क रोल्ड के लिए है. जो आपका कोल्ड वर्क होता है इसके लिए जो IS कोड है आपका 432 है, और जो हॉट रोल्ड के लिए है वो आपका IS 1139 है. आपको बता दूं कि जो SSC है वो एक ना एक आपका IS कोड अपने पेपर में जरूर देता है. हर एग्जाम में उसका एक ना एक आपको IS कोड मिलेगा. तो जो आपका पहला Fe250 कोल्ड वर्क के लिए, उसके लिए IS कोड कितना होता है आपका 432 होता है, और जो हॉट रोल्ड है उसके लिए आपका कितना होता है IS 1139 होता है. तो आपको बता दूं कि यहाँ पर किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए, उसके लिए कौन सा ग्रेड का स्टील प्रयोग करते हैं Fe250 का. आगे बढ़ते हैं. आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील है, तो इसके लिए आपका दो टाइप का होता है, आपका Fe250 होता है और Fe500 होता है. जो आपका Fe415 Fe415, इसको हम लोग दूसरा नाम भी नोन एज टोर 40, मतलब Fe415 नोन एज टोर 40. जो Fe500 है नोन एज टोर 50 है. आगे बढ़ते हैं. ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोनों, कि जो आपका Fe415 है उसे किस क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या होता है आपका टोर 40 है, और जो आपका Fe500 है उसे दूसरे नाम से किस तरीके से जानते हैं, वो आपका टोर 50 है. आगे बढ़ते हैं. आपका आता है यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, और हम लोग यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस अर्थात परमिसिबल स्ट्रेंथ की बात करेंगे. बता दो आपको जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो आपकी क्या होती है, तो बता दो आपका कि जो स्टील होता है, स्टील की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है. जैसे आपको बता दूं कि जो आपका Fe250 है, यदि आपको बता दूं कि जो Fe के आगे जो आपकी डिजिट होती है, Fe मतलब आयरन हो गया, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, उसके आगे की जो डिजिट होती है वही आपकी क्या कहलाती है, यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, अर्थात वही नंबर आपका क्या कहलाता है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाती है. तो जो Fe250 इसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ अर्थात स्टील की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो आपकी कितनी है, 250 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर. तो यहाँ पर आपको दो तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं.
तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि माइल्ड स्टील के लिए किस ग्रेड की स्टील का प्रयोग करते हैं, वो है आपकी Fe 250 ग्रेड की। इसके बाद आगे आता है कि Fe 250 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ का मान कितना होता है, तो वो आपका कितना होता है यील्ड स्ट्रेंथ अर्थात Fy बराबर कितना होता है 250 होता है, अर्थात उसके आगे की वैल्यू होती है। और इसके बाद ये क्वेश्चन और बनता है कि यील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, न्यूटन पर mm का स्क्वायर। मैं आपको बता दूं तीनों तरीके से मैंने क्वेश्चन बता दिया, और आप जब साइड पेपर लगाओगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे कहीं ना कहीं पर आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जैसा आपका Fe 250 था, आप इसके द्वारा यहाँ पे मैंने HYSS के लिए बताया था Fe 415 Fe 500 और ये आपकी टोर बार भी कहलाती है। तो जरा नजर डालें कि यदि मैं आपसे बोलूं कि HYSS के लिए आपकी किस ग्रेड की जो एवरेज स्टील है वो यूज की जाती है, फिर से क्वेश्चन को समझ लेना, एवरेज स्टील फॉर हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील। तो आपको बता दूं कि जब एवरेज स्टील की बात होगी और HYSS के लिए होगी तब आपका क्या यूज होगा, Fe 415 अर्थात माइल्ड स्टील के लिए Fe 250 और HYSS के लिए Fe 415। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको अपने लेक्चर में बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो आपका Fe 415 के यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, तो यील्ड स्ट्रेंथ मैंने बताया कि जो Fe के आगे की डिजिट होती है वही आपकी क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो इसके लिए Fe 415 के लिए 415 Fe 500 के लिए आपकी कितनी हो जाएगी 500 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अगला है आपका, और वो क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस। तो आपको बता दूं कि किसी भी स्टील की जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है, किसी भी ग्रेड की स्टील की जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो आपकी कितनी होती है, परमिसिबल स्ट्रेस 0.55 Fy, कितनी होती है 0.55 Fy। आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यदि Fe 250 के लिए आपको परमिसिबल स्ट्रेस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, Fy आपका क्या होता है यील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो Fe 250 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ आपकी कितनी है 250 है, 250 उठा करके यहाँ पर रख दो, अर्थात आप देखो मैंने आगे आपको लिख रखा है कि 0.55 × 250, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 137.5, या इसी को सी करके लिख सकते हैं 140। आप बता दूं आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है, 137.5 भी याद रखनी है और 140 भी याद रखनी है। वो आपको क्यों रखनी है, तो आपको बता दूं कि जो MPJEE का पेपर होता है उसमें वो लोग ये वाली वैल्यू को नहीं लिख करके वो इस वाली वैल्यू को लिखते हैं, और कहीं कहीं पर आपको ये वैल्यू ना दी जा करके ये 140 दी जाती है तो आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है, और आपको बता दूं कि कोई एक वैल्यू आपको जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा उसमें आपको ये मिलेगी, तो आपको दोनों याद रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 250 का मल्टीप्लाई करिए आपको 137.5 मिलेगा या 140 मिलेगा, ये किसके लिए होता है Fe 250 के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, आपका Fe 415 है, Fe 415 मतलब Fy की जो वैल्यू होगी, इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा Fe 415 का वो कितना होगा आपका 415 होगा, 415 होगा। 415 में आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपको परमिसिबल स्ट्रेस निकालनी है तो उसमें 0.55 का क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप अगर आगे देखो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है क्या, ये 228.5, या इसी को हमने बोला है से करके लिखा है 230, अर्थात यहाँ पर भी आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है, और वो वैल्यू आपकी क्या है Fe 415 के लिए 228.5, या उसी को हमने से करके लिखा है 230 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला पॉइंट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, Fe 500 0.55 में हमने 500 का मल्टीप्लाई कर दिया, 500 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है 275 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपको पढ़ने मिलते रहे, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, और आपको केवल एक काम करना है, वो आपका क्या है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन करना है, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, आपका लिखा हुआ है इफ यील्ड पॉइंट नॉट क्लियर देन यील्ड स्ट्रेंथ।
ये क्यों लिखा है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जरा देखिए। मैंने ऊपर एफ ई 250 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ लिखा है, एफ ई मतलब 250 है। एफ ई 415 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ 415 है, एफ ई 500 के लिए 500 है। यदि ये वैल्यू हमें क्लियर पॉइंट प्राप्त नहीं होता है, और कौन सा पॉइंट? यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट पर ही तो हमें यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी। यदि ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं होता है तो फिर हम क्या इस वैल्यू को प्राप्त कर पाएंगे, फाइनल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन पे यदि मैं बोलूं कि इफ यील्ड पॉइंट नॉट क्लियर देन यील्ड स्ट्रेंथ, तब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? यदि यील्ड पॉइंट क्लियर है तो आपकी ये वैल्यू है, और यदि यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं है तो फिर आपका क्या होगा फॉर्मूला? 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, अर्थात प्रूफ स्ट्रेस का कितना परसेंट लेते हैं? 0.2% हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ को लेते हैं। वेल, समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है यील्ड स्ट्रेस इन ट्विस्टेड डिफॉर्म बार कंपेयर टू प्लेन बार। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो आपका यील्ड स्ट्रेस होता है किसमें? ट्विस्टेड बार, डिफॉर्म बार में, किसकी तुलना में? फ्लेम बार की तुलना में। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि डिफॉर्म बार में जो आपका यील्ड स्ट्रेस होता है फ्लेम बार की तुलना में कितना होता है? तो आपको बता दूं कि मोर 50%, अर्थात फ्लेम बार की तुलना में 50% अधिक होता है। कितना अधिक होता है? 50% अधिक होता है। किसमें? आपका साफ सब लिखा है ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। तो ट्विस्टेड डिफॉर्म बार में जो आपका यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है प्लेन बार की कंपेयर में वो आपकी कितनी होती है? मोर 50%। यदि आपका यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस की जगह पर, यील्ड स्ट्रेस की जगह पर आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है, बॉन्ड स्ट्रेस पूछ लिया जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेस कितना अधिक होता है? 40% अधिक होता है, 40% मोर होता है। बात क्लियर है? फिर से मैं बता दूं कि यदि आपकी ट्विस्टेड डिफॉर्म बार की बात होती है, किसकी तुलना में होती है, किसकी कंपेयर कर रहे हैं? प्लेन बार की कंपेयर कर रहे हैं, तो यील्ड स्ट्रेस का मान मोर 50% होता है, और जो आपका बॉन्ड स्ट्रेस है वो आपका मोर 40% होता है। आगे बढ़ते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, उन लोगों के लिए जो अच्छा मन लगा अगर पढ़ते हैं और जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है उनके लिए तो यही क्वेश्चन टफ है जो अगला वाला है। और वो क्वेश्चन क्या है? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील, अर्थात स्टील का यंग मापांक कितना होता है? तो कितना होता है बच्चा जानता है, 200 किलो न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। आपको बता दूं कि यदि यहां से हम किलो का वो हटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 200 × 10³ न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। यदि इसको हम आगे लिखते हैं तो आपको पता है कि पावर आपकी ऐड हो जाएगी, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास में कई जगह पर सवाल लगाए होंगे, आरसीसी में भी लगाए हैं, अपने सोम में भी लगाए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर स्टील का यंग मॉडुलस यूज किया था, तो वहाँ पर कितना यूज करते हैं हम लोग? 2 × 10⁵ यूज करते हैं, तो वही आपकी वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका किसके लिए था? स्टील के लिए था। आगे बढ़ते हैं, मतलब जब इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे तो कंक्रीट के लिए आपका इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है? 5000√fck के। कितनी होती है? 5000√fck के। ये फॉर्मूला लिखा है, उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एफसी के क्या होता है, तो आप जरा देख रहे हो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि कंक्रीट का यंग मॉडुलस है, तो जो एफसी के होगा वो आपका क्या होता है? कंक्रीट की कैरेक्टर स्ट्रेंथ, अर्थात अभिलक्षणिक सामर्थ्य। तो एफसी के क्या होता है? आपका कंक्रीट की अभिलक्षणिक सामर्थ्य, अर्थात कैरेक्टर स्ट्रेंथ होती है। बात को मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि एफ सी के जैसे याद करते हैं, तो थोड़ी सी हिंट दिए दे रहा हूँ कि जो आपका कंक्रीट का ग्रेड होता है उसके तो आगे की वैल्यू होती है, अर्थात M20 है, M25 है, M30 है, तो उसकी तो आगे की वैल्यू होती है। जैसे M20 है तो 20 आपका क्या होगा? कंक्रीट की कैरेक्टर स्ट्रेंथ कहलाती है, 20 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर।
यदि आपका m 25 है तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होगी 25 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। वेल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ बार अर्थात जो मार्केट में मैक्सिमम लेंथ जो बार है मतलब जो बार की लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी मिलती है तो आपकी कितनी मिलती है 13 मीटर। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टील बार तो आपकी कितनी होती है 30 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका आता है कि डिफॉर्म बार के यूज से। अब यहाँ पर जरा नजर डाल लेना ऊपर आपका लिखा था ट्विस्ट डिफॉर्म बार और यहाँ पर है आपका डिफॉर्म बार के यूज से स्टील की बचत होती है। अब आपको बता दें कि जो बार होती है आपकी प्लेन बार होती है तीन टाइप की पढ़ी है ना आपने लेकिन आपको मैं बताऊंगा चार टाइप की फोर टाइप्स बार। एक प्लेन बार हो गई आपकी एक आपकी डिफॉर्म बार हो गई है एक आपकी ट्विस्टेड बार हो गई है और एक आपकी CRS बार होती है। CRS कल बता दूंगा देखो जरा यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको क्या है क्वेश्चन में डिफॉर्म बार के यूज से स्टील की बचत कितनी होती है तो 40% हम लोग जो स्टील है उसकी मात्रा आपको जैसे कहने का मतलब है कि यदि हम किसी स्ट्रक्चर में किस बार का यूज कर रहे हैं डिफॉर्म बार का यूज कर रहे हैं किसकी जगह पर कर रहे हैं प्लेन बार की जगह पर कर रहे हैं तो प्लेन बार आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी उसकी जगह पर यदि हम डिफॉर्म बार डालेंगे तो हम उसका 40% जितनी मात्रा हम प्लेन बार की डालेंगे उसका हम कितना बचा लेंगे 40% हम लोग कम डालनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि ट्विस्टेड बार के प्रयोग से स्टील की बचत होती है। अब यहाँ पर कौन सी बार है ट्विस्टेड बार जैसे अभी मैंने आपको बताया बार के चार टाइप बताया फोर टाइप बताया प्लेन बार डिफॉर्म बार ट्विस्टेड बार एंड CRS। तो यहाँ पर मैंने आपका डिफॉर्म बार यूज किया तो 40% की कमी करते हैं मतलब कम यूज करते हैं और ट्विस्टेड बार की यदि बात करेंगे तो 33-40% हम लोग लेस जो स्टील की मात्रा है क्वांटिटी जो हमें डालनी है प्लेन बार की उससे हम 33-40% कैसा करते हैं कम यूज करते हैं। वेल अगला क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो टॉपिक आज का मैंने क्लियर किया है इसमें से पूरा का पूरा टॉपिक पूरा का पूरा लेक्चर आज का इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ने का जो RCC का लेक्चर दे रहा हूँ आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। जो तैयारी कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं उनको भी बता दूं कि उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके फ्यूचर में जब आप जेई बनेंगे या बनना होगा तो आप वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आगे काम में आएंगे। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन क्या है फॉर रेनपोस्ट कंक्रीट एक्सपोज टू सल्फेट अटैक मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड इज। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि सल्फेट के अटैक में या जहां कहने का मतलब है कि यदि कंक्रीट हम लोग ऐसी जगह पर डाल रहे हैं जहां पर आपका सल्फेट वाला एरिया है। अब सल्फेट से तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो बहुत परिचित होंगे तो मतलब ऐसी जगह आपको यूज करना है कंक्रीट जहां पर सल्फेट की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर यदि हमें 21 ग्रेड की कंक्रीट का यूज करना पड़ेगा तो वो आपका कितना होता है M20 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ और क्वेश्चन क्या है फोर रेनफोर्स्ड कंक्रीट एक्सपोज टू सल्फेट अटैक मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड इज अर्थात सल्फेट अटैक वाले एरिया में यदि आपको कंक्रीट का यूज करना है तो किस ग्रेड की कंक्रीट का यूज करेंगे तो वहां पर हम लोग करेंगे M20 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर आपका यहीं पर खत्म होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को केवल ये काम करना है मेरा हर वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आता है और आपको बता दूं कि आपको हर वीडियो जल्दी से जल्दी मिले तो उसके लिए आपको बेल आइकन सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग पूछते भी हैं अच्छा लगता है तो जहाँ पर भी कोई डाउट होता है तो आप पर्सनल नंबर पर मैं आपको शेयर कर चुका हूँ फिर से शेयर कर दूंगा आपको लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट में आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन दुबे क्लासेस।